पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला भाजपा में शामिल होंगे। कवर्धा में आयोजित सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गोबर चोर कहा। शुक्ला ने कहा कि चोरों के साथ काम करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मोदी परिवार में शामिल हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कवर्धा में आज बड़ी सभा हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी वो मौजूद थे। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंद्रशेखर शुक्ला जो है जो प्रभारी थे वो शामिल हुए बीजेपी में। उसके साथ साथ तकरीबन जो भी कांग्रेस के 300 कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, आज क्या वजह था, क्या क्या? मैं काफ़ी दिनों से कांग्रेस में रहा, लगभग 25 साल के आसपास, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस की नीति रीति में पूरा आमूल चूल का बदलाव मुझे महसूस हुआ है। जिन बातों को कह के कांग्रेस सरकार आई थी उनमें से एक भी काम नहीं हुई। कांग्रेस का नारा ही हुआ करता जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और कांग्रेस तुष्टिकरण राजनीति में उतर लगातार सनातन का हिंदू धर्म का विरोध कर रही थी। पंचायतों के विकासों को अवरुद्ध किया गया, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया गया, छत्तीसगढ़ के विकास को विनाश की दिशा में ले जाया गया। एक एक इतने बड़े बड़े घोटाला किए गए नरवा के नाम पे, गहरवा के नाम पे, खुरवा के नाम पे, उद्यानिकी विभाग में, ये सब जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ा है और भाजपा ज्वाइन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने गोबर चोर भी कहा है, गोबर चोट्टा कहा है, छत्तीसगढ़ी हाना का दौर चल रहा है। एक और छत्तीसगढ़ी हाना में लोग लाठी मारने की बात करने लगे हैं, तो मैंने भी छत्तीसगढ़ी हाना का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ी में जो गोबर चोरी करता है गोबर चोट्टा ही कहा जाता है। किस तरह से आगे आप किस तरह के देख रहे हैं बीजेपी के और कांग्रेस की जो मुकाबला है राजनांदगांव लोकसभा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। तो ये थे चंद्रशेखर शुक्ला जो अभी अभी बीजेपी में शामिल है। उनका कहना कि कांग्रेस में जब वो थे तो जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से गोबर के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर के वो असुविधा महसूस कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। संजय यादव, अनिश कवर्धा।